नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंडियन स्टाइल चाउमीन बनाना। सबसे पहले हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, साल्ट ऐड करेंगे और चाउमीन को बॉईल होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा, चाउमीन अच्छी बने इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारी चाउमीन ठीक तरीके से बॉईल हो। बच्चे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं और अक्सर घर पर नूडल्स लाने की ज़िद भी करते हैं, इसीलिए ज़रूरी यह है कि चाउमीन ज़्यादातर घर पे ही बच्चों को बना के दी जाए ताकि उन्हें नुकसान ना करे। हमारी चाउमीन उबल रही है, 5 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए उबल चुकी है चाउमीन, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तब तक हमारी सब्जियाँ भी कटकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, मैंने कैबेज नहीं लिया है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सोया सॉस है जिससे चाउमीन का रंग आता है। ये है चाउमीन मसाला, इसे आप चिंग्स का यूज अगर करें, हक्का नूडल्स मसाला, तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी चाउमीन है। अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, इसको गर्म होने के बाद इसमें हम ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हमें तब तक ही फ्राई करना है जब तक ये मतलब भुन ना जाए, भुनने से मीन्स इसमें लालामी ना आ जाए या जिसे रेडनेस कहते हैं। देखिए हमारे जो ऑनियन है उसमें कलर आने लगा है, इसको हम अभी और थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा इसमें और जो कलर आना है वो आ जाए ताकि हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें कैरेट ऐड कर रहे हैं। गाजर को ऐड करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो चाउमीन के लिए गाजर काटी जाती है उसको हम थोड़ा लॉन्ग पीस में काटते हैं, देखिए, ताकि ये उसमें चाउमीन में पता चले। ये देखिए हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, इसको भी हम थोड़ा सा चलाएंगे। अगर इसमें आप कैबेज भी ऐड कर लें तो थोड़ा सा जो इसका स्वाद है वो और अच्छा हो जाएगा। हमने इसमें साल्ट ऐड किया है, हमारी सब्जियां भुन रही हैं। अब हमने इसमें देखिए हक्का नूडल्स मसाला जो चिंग्स का था उसको हमने ऐड कर दिया, इसको हम मिला लेंगे ठीक तरीके से। जब ये आपको लगता है कि ये सब्जियां लगभग तैयार हो चुकी हैं उनके, तो हम इसमें फिर चाउमीन को ऐड कर लेंगे। अभी हम इसमें मसाला ही मिला रहे हैं ताकि ये ठीक तरीके से मिल जाए और इसका जो स्वाद है वो अच्छा लगे। हमने अब इसमें चाउमीन ऐड कर दी है। ध्यान रखिएगा चाउमीन को अगर हाथ से डाला जाए थोड़ा अलग अलग करके ना, तो ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा और जो मसाला है या जो भी आपने इसमें सब्जियां वगैरह डाली हैं तो वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएंगी और स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। देखिए चाउमीन का असली मज़ा जो है, असली कलर जो है वो सोया सॉस से ही आता है। देखिए क्या कलर था चाउमीन का और अब क्या हो गया है। ये देखिए इसको ठीक तरीके से हम इसे चला लेंगे ताकि ये ठीक तरीके से मिल जाए। हमारी चाउमीन देखिए ये लगभग तैयार हो चुकी है। इसमें विनेगर भी ऐड किया जाता है, सोया सॉस के बाद हमने विनेगर भी ऐड किया था, वो शायद वीडियो में मिस हो गया है। ये देखिए हमारी चाउमीन का कलर ये तैयार हो गई। झटपट आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं और चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए हमारी चाय भी तैयार है, प्लेट में चाउमीन भी रखी हुई।